बहन, इस त्योहार में ज्यादा कुछ तो नहीं, बस ये 10 रुपए का लॉटी चोको पाए लाया, वो पिघला हुआ, ये ले। तूने अपनी बहन के लिए 10 रुपए खर्च करे, वो भी पिघला हुआ लॉटी चोको पाए के लिए, क्यों भाई क्यों? बहन, मैं तो चाहता हूँ कि अपना फेफड़ा निकाल के तुझे दे दूँ, लेकिन मैं विवश हूँ, मुझे भी अपना जीवन यापन करना है, बस इसलिए नहीं दे। तू तो जानती है मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है। आपको पता नहीं क्या भ्राताश्री बहन भाई को गिफ्ट देती है, भाई बहन को गिफ्ट नहीं देता। इससे पहले तो मेरे प्राण चले जाते आपसे गिफ्ट लेने से पहले। मेरे लिए तो बस तू ही आ जाता, वही अच्छा था, क्या जरूरत थी हिलाने की, इतना सब कुछ ले आया। मैं तुझे क्या बताऊं बहन, मैं तो यहाँ पे नल्ला बेरोजगार फकीर की तरह आ रहा था, पर माँ ने मुझे पीछे से आवाज लगाई कि अपनी बहन के लिए ये 10 रुपए वाला लॉटी चोको पाए ले जा। क्या पता इसी को देख के तेरी बहन तेरे को 10,000 रुपए दे दे, बस इसी अंधे लालच में मैं तेरे पास दौड़ा चला आया मेरी प्यारी बहन। बस बहन, इतना ही सुनते मैं तेरे पास दौड़ा चला आया। अब तू मुझे इससे ज्यादा दे या कम दे, वो तेरी हैसियत है, तेरी मर्जी है, तू कम देना चाहे तो। वैसे मुझे पता है तू कम नहीं देगी, मैं तेरा लाडला भाई हूँ। ओ मेरा क्यूटू सा भाई, ये तेरे जीजा जी का जो सब कुछ है वो हम दोनों का ही तो है, और किसका है? चल मैं तेरे लिए अच्छा सा खाना लगवाती हूँ। हाँ, कितना सोचता है मेरा, कितना सोचता है मेरे बारे में तू, इतना आज तक किसी ने भी नहीं सोचा। चल आ जा। मेरे हदंद बिस्को, हदंद बिस्को, हदंद बिस्को।